राजस्थान में जयपुर के पास एक इलाका है लद्दाना। पहले वहाँ एक छोटी सी रियासत थी। वहाँ का राजा एक बार शाम के समय बैठा हुआ था। उसका मुसलमान नौकर किसी काम से वहाँ आया। राजा की दृष्टि अचानक उसके गले में तुलसी माला पर पड़ी। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या बात है, क्या तू हिंदू बन गया है? नहीं नहीं, मैं हिंदू नहीं बना हूँ। तो फिर गले में यह तुलसी की माला क्यों डाल रखी है? राजा साहब, तुलसी की माला की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? राजा साहब, मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने ननिहाल जा रहा था, सूरज ढलने को था। इतने में मुझे दो छाया पुरुष दिखाई दिए, जिनको हिंदू लोग यमदूत बोलते हैं। उनकी डरावनी आकृति देखकर मैं घबरा गया। तब उन्होंने मुझसे कहा, तेरी मौत नहीं आई है, अभी एक युवक किसान यहाँ से बैलगाड़ी भागता भगाता आएगा। यह जो अड्डा है उसमें उसकी बैलगाड़ी का पहिया फंसेगा और बैलों के कंधे पर रखा हुआ जुआ टूट जाएगा। बैलों को प्रेरित करके हम उदंड बनाएंगे, तब उनमें से जो दाई ओर का बैल होगा वह विशेष दंड होकर युवक किसान के पेट में अपना सींग घुसा देगा और इसी निमित्त से उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम उसकी जीवात्मा लेने आए हैं। हुजूर, क्या यह घटना मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ? ठीक है, जाओ वहाँ चल कहीं छुप जाओ। उन्होंने इजाजत दे दी और मैं दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में उस कच्चे रास्ते से बैलगाड़ी दौड़ती हुई आई और जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसे ही बैलगाड़ी को झटका लगा। बैल उत्तेजित हुए, युवक किसान उन पर नियंत्रण पाने में असफल रहा। बैल धक्का मारते मारते उसे दूर ले गए और बुरी तरह से उसके पेट में सींग घुसेड़ दिए और वह मर गया। फिर क्या हुआ? हुजूर, लड़की की मौत के बाद मैं पेड़ की ओर से बाहर आया और दूतों से पूछा, हुजूर इसकी रूह कहाँ है, कैसी है? वह जीव हमारे हाथ नहीं आया। मृत्यु तो जिस दिन में सोनी थी हुई, किंतु वहाँ हुई जहाँ तुलसी का पौधा था। जहाँ तुलसी होती है वहाँ मृत्यु होने पर जीव भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। हुजूर, तब से मुझे ऐसा हुआ कि मरने के बाद में बेहिशत में जाऊंगा या दोजख में, यह तो पता नहीं। इसलिए तुलसी की माला तो पहन लूं ताकि कम से कम आपके भगवान नारायण के धाम में जाने का मौका ही मिल जाएगा। और तभी से मैं तुलसी की माला पहनने लगा। वाह, कैसी दिव्य महिमा है तुलसी माला धारण करने की। इसलिए हिंदुओं में किसी का अंत समय उपस्थित होने पर उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डाला जाता है ताकि जीव की सदगति हो जाए। क्यों ना हम सब मिलकर तुलसी का पूजन करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते तुलसी त्वं नमोस्तुते।